एक बार जोरदार ताली बजाते हुए बेगमगंज के रहने वाले श्रीमान वल्लू भाई जिन्होंने, हाँ आ जाओ पूरे परिवार के साथ, आ जाओ बजाओ जोरदार ताली, आ जाओ भाभी आ जाओ। चलिए 111,111, 111,111 शास्त्र दान करने का अवसर जा रहा है, 111,111, 1, 2, 2.5, 3, 99 और पूरे, हाँ बाबू को आगे कर लो, हाँ चार भैया आगे आ जाओ, पूरा परिवार आ जाओ, तालियां बजाते हुए आप लोग अनुमोदना करें, पहुंचो। एक दो तीन बार चलिए आ जाइए। यह सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान अशोक कुमार जी चौधरी परिवार, श्रीमान अशोक कुमार जी, मुकेश कुमार जी, अमित कुमार जी, अर्पित कुमार जी चौधरी परिवार। अब हम चलते हैं आगे इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हैं पूरी जैन समाज की ओर से। हमारी समस्त कमेटी खड़े हो जाओ, राहतगढ़ जैन समाज कमेटी खड़ी हो जाए और उनके साथ पूरी समाज अनुमोदना करेगी महाराज श्री का मंगल लंबा प्रवास राहतगढ़ जैन समाज को प्राप्त हो। बहुत समय के बाद आपकी ही न्यू है राहतगढ़ में साधुओं का मंगल आगमन हुआ आपके निमित्त से। सबसे पहले आपके कदम पड़े थे, आपके द्वारा वाचना यहाँ संपन्न हुई थी और उस वाचना के बाद आज ये धर्म गंगा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हाँ दादा आ जाए, संतोष दादा, नवीन सेठ अध्यक्ष साहब, सब लोग आ जाओ, पूरी कमेटी, हाँ आ जाओ, डैनी वगैरह, हाँ डैनी वगैरह आ जाओ, सब लोग आ जाओ, राहतगढ़ जैन समाज के सभी, संतोष दादा आगे आओ, हाँ अध्यक्ष साहब, राजेश जी, नवीन जी, संजय जी, दोनों संजय जी, हाँ और जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी आ जाओ, सभी लोग आगे आओ, हाँ सब लोग आ जाओ, उमेश रूपचंद जी आ जाए, महाराज श्री सबकी भावना है। कुछ दिनों का प्रवास राहतगढ़ में संपन्न हो। अरे नहीं बाद भूल संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, आर्य मुनि संघ की, महाराज जी आपने अपनी इस राहतगढ़ भूमि बंजर भूमि को आपने उर्वरा शक्ति प्रदान की और आपके निमित्त से सन 95 से लगातार साल में 10 संघ रेगुलर आपने राहतगढ़ की इतनी तारीफ की उसका परिणाम हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब आपने जो उर्वरा शक्ति राहतगढ़ के लिए बंजर भूमि को सिंचित करके और जो उसमें दाना अंकुरित करने का फल हम लोगों को दिया, अब हम उस फल के बदले में एक फल चाहते हैं और आपको देना पड़ेगा, अधिकार है, अधिकार है। 2020 में 5 जगह नाक रगड़ी थी तब आपने हम लोगों की भी नहीं सुनी, अब हमारे अंडर में हो आप यहां से जा नहीं सकते जब तक अब हमारी आशाएं पूर्ण नहीं हो। आपने हमसे बेरखेड़ी में कहा था, हमने कहा था 11 दिन और आपने ये कहा था कि चौमासा, तो बोलो राहतगढ़ वाले चौमासा चाहते हो? हम तो आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं, आपके वचनामृत के अनुसार हम आपको वचनबद्ध करना चाहते हैं और आपको करना भी चाहिए जिस भूमि को आपने तैयार किया। अब आपसे निवेदन है कि हम लोगों को मंच के माध्यम से सांत्वना पुरस्कार जरूर देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमो। सांत्वना पुरस्कार के साथ प्रथम द्वितीय पुरस्कार भी आपको मिले,
महाराज श्री सबकी भावना है, भावना योग का एक शिविर भी यहाँ पर आपके सानिध्य में संपन्न हो और शंका समाधान का कार्यक्रम भी आपके सानिध्य में यहाँ पर, सब लोग चाहते कि नहीं? बोलो हे स्वामी नमोस्तु। बागरो जैन समाज भी आकर के यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करे। और अब मैं पूजे युवा तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर्सी प्रमाण सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, आप अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले। जब तक मैं महामंत्र का स्मरण कर रहा हूँ, जो लोग बाहर से आके श्रीफल चढ़ा रहे चढ़ा ले और दोनों क्रम चलता रहे। आप लोग दोनों हाथ जोड़ ले और ओम ओम मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। रमो अरिहंतानम् इळमो सिद्धानम् इळमो आयरियानम् इळमो उवध्यायानम् इळमो लोये शाहुनम् एसो पंचनमोयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकादश श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एक्सवाट प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री एक्सवाट निर्वेद सागर जी महाराज की, आज आप लोग बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं ना? क्यों? इसलिए कि आज आपको आपका मन चाहा मिल गया है। मिला है कि नहीं मिला? और जब हमें मन चाहा मिलता है तो खुशी स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ यदि हम अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसकी समीक्षा करना शुरू कर दें तो हम हर पल खुश रह सकते हैं। लोग एक सवाल करते हैं कि हम खुश कैसे रहें। मैं उत्तर देता हूँ, तुम्हारे पास जो मिला है उसको पसंद करना शुरू कर दो,
तुम हमेशा खुश रहोगे। हमारी नाखुशी या दुख का मूल कारण यही है कि हमें जो मिला है वो पसंद नहीं है और जो पसंद है वो मिलता नहीं है। गुरुदेव बड़े साधारण शब्दों में कहते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं, जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं, जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। सारा सार इसमें आ गया है। आज आप सबसे चार सवाल दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको अपने अंदर खोजना है। पहला सवाल, क्या मिला? क्या है सवाल? क्या मिला? हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या मिला है? कभी हिसाब लगाया? लगाया होगा तो ये लगाया होगा, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, ये भी एक उपलब्धि है। लेकिन अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा जीवन भाग्यशाली लोगों में शुमार होगा। इस पूरे प्राणी जगत के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में आप हो। क्या मिला? सबसे पहला उत्तर, नर भव मिला। क्या मिला? ये कोई सामान्य बात है? बोलो। संसार में अनंत प्राणी तो एकेंद्रीय हैं, असंख्य कीड़े मकोड़े आदि विकलेंद्रीय हैं और असंख्य पशु पक्षी आदि मूक प्राणी हैं। नरक और स्वर्ग तो छोड़ दो, मनुष्य कितने हैं गिनती के? इन सब में अपने आप को भाग्यशाली मानो कि मुझे नर भाव मिला। बोलो, ये सामान्य बात है क्या? थोड़ी देर कल्पना करो, पेड़ पौधे बने होते तो तुम्हारा क्या होता? कीड़े मकोड़े की तरह तुम जन्मे होते तो तुम्हारा क्या होता? पशु पक्षी बन करके पैदा हुए होते तो तुम्हारा क्या होता? और नरकों में सड़ रहे होते तो तुम्हारा क्या होता? तो क्या मिला? जोर से बोलो, नरभव मिला। है भाग्यशाली? और केवल नरभव नहीं मिला, नरभव के साथ जैन कुल मिला, वहाँ थोड़ी बाद में आएंगे। नरभव मिला, उसके बाद अच्छा शरीर मिला। क्या मिला? यदि दिव्यांग होते, विकृतांग होते, अपंग अपाहिज बन के जन्मे होते, बहुत से ऐसे भी प्राणी हैं, हो सकते हैं कि नहीं? अनेक दिखते होंगे, हो सकता है किसी के घर में भी ऐसे बच्चे हों, कोई मूक है, कोई बधिर है, कोई अपंग है, ऐसे भी बच्चे हैं। वैसे भी बहुत सारे मनुष्य हैं जो अपना कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, जन्म से पराश्रित हैं। तुम तो वैसे नहीं हो, तो क्या मिला? स्वस्थ शरीर मिला। मिला? भाग्यशाली हो कि नहीं? सराहो अपने भाग्य को। और इतना ही नहीं, अभी हिसाब लगाओगे तो लगेगा तुमसे बड़ा सहनसा इस धरती पर कोई नहीं है। मेरे हिसाब से देखो, तीसरे क्रम में अच्छी बुद्धि मिली। मिली कि नहीं मिली? हाँ मिली।
अगर मंदबुद्धि होते, विक्षिप्त होते, पागल होते तो तुम्हारा क्या होता। बहुत से ऐसे बच्चे जो आदमी है लेकिन उनको कुछ होश ही नहीं है। तुम्हें ये बुद्धि तो मिली, और बुद्धि मिली दुर्बुद्धि नहीं, नहीं तो अपनी बुद्धि का उटपटांग प्रयोग करते और आतंक के पर्याय बन जाते। अच्छी बुद्धि मिली, भाग्यशाली हो, फिर क्या मिला? अच्छा परिवार मिला, मिला कि नहीं मिला? तुम जिस परिवार में हो, सब लोग प्रेम से रहते हो, मिल बैठ करके जीते हो, ऐसे परिवार में जहाँ आपस में प्रेम है, सद्भाव है, तुम्हें सड़क चलते ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनकी सुबह की शुरुआत झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते रहते हैं, धरती पर ही नरक का रौद रूप दिखाते हैं। है, मिलते कि नहीं मिलते? सोचो कहीं ऐसे परिवार में तुम पैदा हुए होते तो भाग्यशाली हो कि नहीं? तो क्या मिला? अच्छा परिवार मिला। परिवार मिलना भी दुर्लभ है। बहुत तो ऐसे हैं जिनके जन्म लेते ही माँ बाप चल बसे, जिन्हें परिवार ही नहीं मिला, अनाथ आश्रमों में पलना पड़ा। ऐसे भी लोग हैं ना इस दुनिया में। काश तुम्हारा परिवार नहीं होता, काश तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, उन्हें तो तुम्हें पाला पोसा नहीं होता, तो तुम क्या होते? अनाथालयों में पलते रहते, और क्या होता? मिला तुम्हें परिवार, है तुम्हारा भाग्य, फिर परिवार ही नहीं मिला। अच्छा संस्कार मिला, संस्कार मिला कि नहीं मिला? अच्छा संस्कार मिला, इसके परिणाम स्वरूप आज तुम एक सभ्य नागरिक की भांति यहां बैठे हो। अगर संस्कार विहीन होते, माता पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया होता, परिवार से तुम्हें संस्कार नहीं मिलता, तो क्या होता? लुच्चे लफंगे अवारा अपराधी बनकर मवाली की तरह जिंदगी काटते, है ना? पर ऐसा नहीं है, तुम एक सभ्य नागरिक हो भाग्यशाली कि नहीं? अच्छा संस्कार ही नहीं मिला, जैन कुल मिला। क्या मिला? जैन कुल का मतलब क्या? ऐसे कुल में जन्मे जहां पीढ़ियों से हिंसा नहीं हुई, जहां हिंसा का नाम नहीं है, आज ही नहीं पीढ़ियों में पीछे लौट करके चले जाओ, दसों पीढ़ियों में किसी ने तुम्हारे कुल में कोई हिंसा का कर्म नहीं किया, ऐसे सौभाग्यशाली कुल में जन्म लिए, इसका गर्व है कि नहीं? तुम भाग्यशाली हो कि नहीं? कहीं ऐसे कुल में पैदा हुए होते जहां सुबह की शुरुआत हिंसा से होती तो क्या होता? भाग्यशाली हो। और इतना ही नहीं, इससे भी एक कदम आगे बढ़े हो, तुम्हें धर्म की रुचि मिली। अच्छे संस्कार मिले, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा कुल मिला, जैन कुल भी मिल गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो जैन कुल में जन्मे हो उनकी धर्म की रुचि भी हो। बहुत से ऐसे अभागे हैं जो जैन कुल में रुचि जन्म लेने के बाद भी पापी बने फिर रहे हैं। तुम भाग्यशाली हो कि नहीं? यहाँ जितने बैठे हैं सब भव्य जीव हैं, सब के सब भाग्यशाली हैं। क्यों? तुम्हारी धर्म में रुचि है ना? तो ये सब तो मिला। और गिनाओ। धन संपन्नता मिली। क्या मिली? आज तुम कितने समर्थ हो कि अपनी हर इच्छा की पूर्ति करने में सक्षम हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना संसाधन है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है,
सुबह खाए तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम को खाए तो सुबह की व्यवस्था नहीं, ऐसे लोग भी हैं। पर इस अर्थ में तुम भाग्यशाली हो, सब कुछ अनुकूल मिला मिला। अब सवाल है कैसे मिला, बोलो। हाँ, ये कैसे मिला, क्यों मिला तुमको? किसी की कृपा से किसके, क्यों मिला? पुण्य के सुयोग से मिला। किससे मिला? तुम सबका पिछला पुण्य प्रबल है, इसलिए ये सब मिल गया। पुण्यहीन होते तो कुछ भी नहीं पाते। कभी ऐसा एहसास होता है कि मैं इस धरती के तमाम पुण्यशाली लोगों में एक हूँ जिसे सारे अनुकूल संयोग मिले हैं? कभी विचार होता है? बोलो। शायद नहीं किया होगा। ये विचार करो, ऐसा विचार रखने वालों की ही मति स्थिर होती है। ये पुण्य के योग से मिला, मेरा इतना प्रबल पुण्य का योग है, इसके कारण आज सारे अनुकूल संयोग मुझे मिले हैं। पर भैया, पुण्य के योग से तो मिला है, पर किस लिए मिला? मौज करने के लिए, मजा काटने के लिए, मस्ती उड़ाने के लिए? किसके लिए, बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। अक्कर क्या रहे हो, मिला किसके लिए और कर किस क्या रहे हो, बस इतना ही समझना है। ये सारे अनुकूल संयोग तुम्हें मिले हैं, इसका प्रयोग क्या कर रहे हो, किस लिए मिला? अपने जीवन के उद्धार के लिए मिला, पुण्य से पुण्य को बढ़ाने के लिए मिला, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए मिला। लेकिन तुम कर क्या रहे हो, भूल गए? नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं पुत्राय मित्राय व, नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं लाभाय लक्ष्मैस्तथा, नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं चित्ताभिरामास्त्रियै, किंतु आत्मोद्धरणाय जन्म जलधेर धत्तम वरम मानुषं। ये जीवन किस लिए मिला, रमणियों में रमने के लिए? बोला नहीं। परिवार पुत्रों से घिरे रहने के लिए? बोले ये भी नहीं। धन पैसा कमाने के लिए? बोला नहीं। किसके लिए? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। तो मैं सबका तो ध्यान है, पर जिसके लिए मिला उसको भूल रहे हो। पुण्य से मिला है तो पुण्य को बचाओ, ताकि आगे भी ये परिपाटी बनी रहे। क्या चाहते हो बोलो? जितने अनुकूल संयोग आज मिले, भावी जन्म में भी ये मिले, ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो, चाहते हो? महाराज, जब तक संसार है भावों में अनुकूल संयोग मिले, ये चाहते हो? तो भाई, आप लोग तो किसानी से जुड़े हुए हो ज़्यादातर, जैसा बीज बोओगे वैसी ना फसल मिलेगी। हाँ, जैसा बीज बोओगे वैसी तो फसल मिलेगी। तो तुम चाहते हो पुण्य की फसल, चाहते हो कि नहीं? और बीज बो रहे हो पाप के, तो क्या होगा? मिला है पुण्य की वृद्धि के लिए और लगे हो पाप के चक्कर में।
जो मनुष्य अपने जीवन में सुलभ अनुकूल संयोगों का सही प्रयोग नहीं करता उसका पतन अवश्यंभावी है। इनका भरोसा मत करना। आज तुम्हारे पास पुण्य है, सब ठाट बाट है, हो सकता अगले पल पाप का ऐसा प्रकोप आए कि ठाट बाट मिटे और तुम फुटपाथ पर आ जाओ। कोई भरोसा नहीं, ये तो खेल है। इस खेल को समझिए और अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित कीजिए। जिसके लिए मुझे मिला है मुझे वही करना है, यदि वैसा नहीं करूंगा तो फिर मेरा पतन अवश्यंभावी है, फिर मुझे भाव भाव में फिरना पड़ेगा। किस लिए मिला? जिसके लिए मिला वो काम करो, नहीं तो बुरा हाल है। कहीं ऐसा ना हो कि पुनर्मुस्को भव जैसी कहावत चरितार्थ हो जाए। पंचतंत्र की एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक संत ध्यान में निमग्न थे, उनके पास एक चूहा आया घबराया हुआ और बड़ी घबराहट के साथ कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत करुणाशील थे, उन्होंने आंखें खोली, देखा चूहा घबराया हुआ है, बचाने की गुहार कर रहा है। संत ने पूछा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या बात है? बोले वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है, आप बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तुझे बिल्ली से भय है, जा मार जा रो भाव, बिल्ली बन जाओ। कहते उन्हें वचन सिद्धि थी, देखते ही देखते चूहा ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया। अगले रोज वो बिल्ली घबराई हुई आई, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। संत ने पूछा क्या हो गया? बोला गुरुदेव वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तुझे कुत्ते से खतरा है, ठीक है, स्वानो भव। देखते ही देखते बिल्ली ने कुत्ते का रूप धारण कर लिया। हफ्ते भर बाद वो कुत्ता आया, कहा गुरुदेव बचाओ बहुत परेशान हूं। बोले क्या हो गया? बोले कुत्ता क्या बन गया, सब जगह दूर दूर आया जाता हूँ, सड़क के बच्चे मुझ पर पत्थर मारते रहते हैं, जैसे तैसे बच के आया, आप तो मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या बनना चाहते? बोले मुझे वन का मृग बना दो। बोला ठीक, मृगो भव। अब कुत्ता मृग बन गया, हिरण बन गया। एक दिन वही हिरण हांपता कांपता सा पहुंचा और गुरुदेव रक्षा करो बचाओ बचाओ बचाओ। संत ने आंख खोली, बोले क्या हो गया? बोले वो शेर मेरे पीछे पड़ा है। तुझे शेर से खतरा है, जा मृगेंद्रो भाव, शेर बन जा। हिरण शेर बन गया, जंगल का राजा बनता फिरा। एक रोज शेर के मन में ख्याल आया, इन संतों का ठिकाना नहीं अभी मुझ पर प्रसन्न है, जो मुझे चूहे से शेर बना सकता है वो शेर से वापस चूहा भी बना सकता है, तो क्यों ना मैं इस रास्ते को ही ख़त्म कर दूं। अभी मैं शेर हूँ, मुझ में बल है, ये संत क्या करेगा। इस भाव से प्रेरित होकर वो संत के समक्ष गया
और उन पर झपट्टा मारने ही वाला था। संत पर झपटने वाला ही था कि संत उसके मनोभाव को ताड़ गए और जोर से बोले, पुनर्मुस्को भाव, फिर से चूहा बन जा। वो शेर पुनः चूहा में बदल गया। कहानी आपको मजेदार लगी, लगी कि नहीं लगी? भैया ये कहानी किसकी है? हाँ, जिस पुण्य की कृपा से तुम चूहे से शेर बने हो, ध्यान से सुनो, जिस पुण्य की कृपा से तुम चूहे से शेर बने हो, यदि उसी पुण्य को खाने में लग जाओगे तो वापस शेर से चूहा बनना पड़ेगा। वापस फिर तुम्हें अभाव और अल्पता का जीवन जीना पड़ेगा, दुस्संयोगों का शिकार बनना पड़ेगा। इसलिए पुण्य के योग से चीजें मिली है तो पुण्य की वृद्धि के लिए मिली है, पाप की वृद्धि के लिए नहीं। इसलिए अपने समय, शक्ति और संसाधन को सत्कर्मों में लगाओ, दुष्कर्मों से बचो। सार इतना है। तो किस लिए मिला? अच्छा करने के लिए मिला, अच्छा बनने के लिए मिला। बुरा करोगे, बुरा बनोगे, पतन अवश्यम भावी है। बस अपनी समीक्षा कीजिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तुम सोचो कि ठीक है, अभी तो सब चल रहा है, महाराज जो कह रहे बातें तो सही कह रहे हैं। गलत कब कहते हैं? कहते हैं क्या? सही कह रहे हैं तो फिर मानते क्यों नहीं? मानेंगे थोड़ा बुढ़ापा हो जाए तब। अभी तो सब चलने दो। आज के समय में तुम बुढ़ापा देख पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, है क्या? कोविड के बाद तो कई जवान चले गए। कब किसकी कौन सी सांस उसकी आखिरी सांस बन जाए कोई नहीं जानता। एक श्वास का भी विश्वास नहीं है। इस सच्चाई को समझिए और अपने जीवन की दिशा तय कर लीजिए। मुझे क्या करना है? जो करने योग्य है वो कर लें। गुरुदेव कहते हैं, मरना हो तो मर जा पर जीते जी कुछ कर जा। मरना हो तो मर जा पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। अगर अच्छा करोगे तो तुम ऋण उतारोगे और अच्छा नहीं करोगे तो अपने ऊपर कर्जा चढ़ाओगे। अपने आत्मा के पतन से हमें बचना है और उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने का यत्न करना है। ऐसा यत्न, ऐसा प्रयत्न यदि निरंतर बने रहे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। आज आप लोग बहुत हर्षित और उत्साहित हो, एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ आना हुआ। पूरा नक्शा बदल गया है, बदल गया। एक समय मुझे 1995 की वो बातें याद आ रही है जब शुरुआत थी, लेकिन उस समय से जो आप लोगों के अंदर अंकुर फूटा है आज वो विशाल पौधे का रूप धारण कर लिया है। इसे देखकर आप ही नहीं हमारा मन भी हर्षित है और आप लोगों पर गुरुदेव की बड़ी कृपा भी बरसी है। एक छोटा सा गांव और इस छोटे से गांव में हथकरघा जैसे उपक्रम को निरंतरता प्रदान करके आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो चलता आ रहा है, पूरा ढांचा बदला है और नियम से समय समय पर आप लोगों को लाभ भी मिलता रहा है। यहाँ की समाज एक अच्छी श्रद्धालु, रुचिवान और उत्साही समाज है। आप सबका उत्साह देखते बनता है। यहाँ चाहे बच्चे हों, युवा हों, बड़े हों या बूढ़े, सब में एक समान उत्साह दिखता है। 25 साल पहले जब हम यहाँ आए थे
उस समय जो बच्चे थे अब वे सब बच्चे वाले हो गए, उनके बच्चे भी 20-25 साल के हो गए। बहुत उत्साह के साथ आप लोग यहाँ हम लोगों को लेकर आए हैं। भावनाएं आपकी प्रबल है, अभी बड़े आग्रह अधिकार पूर्वक बात की जा रही थी, लेकिन भावनाएं तो भावना होती है। ये तय है कि आप लोगों का पुण्य है कि हम लोग यहाँ आए हैं, पर आगे की बात आप सबको पता है। आने वाले 3 तारीख से विदिशा में भव्य पंचकल्याणक का आयोजन है, और यहाँ से विदिशा की दूरी भी आप लोगों को पता है, और मौसम भी आप लोग देख रहे हैं। अब जितना मार्जिन है वो राहतगढ़ वालों का है, ये आपके लिए राहत की बात। और राहतगढ़ वालों से मैं यही कहूँगा, ये मान के चलो अभी जो मिल रहा है वो केवल राहत का मुआवजा है, मोल नहीं, वो राहत पैकेज है। मुझे मालूम है आप लोग इतने अल्प प्रवास में संतुष्ट होने वाले नहीं हो, क्योंकि आप लोगों की भूख अब बहुत बढ़ गई है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी भूख और बनी रहे। जब भूख बढ़ी रहती है, बनी रहती है, तो रूखी रोटी भी अच्छी लगती है, अब भरे पेट में रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं रहता। इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान आप लोगों की भूख बना के रखे, ताकि जो मिले लपक कर खाने की रुचि मिल जाए, है ना, तो उसको आप लोग लेते रहे, ऐसी भावना भाते रहे, और भावना निश्चित एक दिन फलदायी होती है। आप लोगों के साथ इस तरफ के लोग तो हर्षित है, विदिशा भोपाल वाले, लेकिन बेगमगंज वाले लोग, गैरतगंज वाले लोगों का मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। मैं उनसे भी कहूँगा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, भावनाएं भाइये, शायद फिर कभी आपके लिए भी अवसर प्राप्त हो, अभी तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ, साधुओं का समागम चाहने वाले को थोड़ा पहले से जागना चाहिए, साधुओं के दिमाग में अपना स्थान बना लो, ताकि वे कभी उधर से गुजरे तो उनके सबकॉन्शियस में बात बैठे कि वे लोग भी हैं, और अपना कार्यक्रम वो तदनुरूप बनाए। राहतगढ़ का तो पिछली बार से बहुत पीछे लगे हुए थे, हमेशा आना जाना है, तो इस बार जब हमारा इधर का योग बना तभी हमने मन बना लिया था कि इस बार जितना मैक्सिमम हो सके राहतगढ़ का ध्यान रखना। अगर बेगमगंज का थोड़ा ध्यान होता तो हो सकता है उनके भाग से विदिशा को 2-3-4 दिन आगे खिसकाया जा सकता था, लेकिन अब गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती। अब जो भी हो, विदिशा हो, भोपाल हो या राहतगढ़, सब बेगमगंज की सीमा में ही ऐसा मान करके चलना चाहिए, और उनको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। समय के अनुसार जब आपका पुण्य का योग बनेगा, निश्चित वो सौभाग्य प्राप्त होगा। एक बात सदैव ध्यान रखो, मुझे मेरे गांव नगर में गुरु का सानिध्य मिले, ये पहला प्रयास। हमारे गांव नगर में गुरुओं का समागम मिले, ये तुम्हारा पहला प्रयास हो, पर यदि ये न मिले तो जहां गुरुओं का समागम है मैं वहां जाके लाभ लूं, ये मेरा दूसरा प्रयास। ये लाभ लेने का रास्ता है, ये स्वाभाविक है कि गुरुओं का समागम हमेशा नहीं मिल सकता, लेकिन आप गुरुओं के समागम में हमेशा रह जरूर सकते हैं। ये लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के अनुरूप अपना पुरुषार्थ जगाएं, तो अपना जीवन धन्य होगा। आज लंबा विहार करके आए हैं, इसलिए अधिक विस्तार न देकर आप लोगों के आवेदन को हमने स्वीकार लिया है। आज शाम का संघ का समाधान आपके नगर में होगा। आप लोगों ने भावना योग की भी भावना भाई है, थोड़ी और भा लीजिए, शाम तक हो सकता वो भी पूरी हो जाए, पर उसके विषय में अभी कह नहीं सकेंगे। शाम के संघ का समाधान तक कोई शंका
मत रखिए, निशंक होकर के लाभ लीजिए। शेष जो कार्यक्रम होगा सब शाम को पूर्ण, इसलिए शाम को बाकी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आगे की दूरी बहुत लंबी है और ततूरी भी बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान में रख करके चलना है, इसलिए सब कुछ देख समझ करके ही चलना होगा। भावनाएं तो सबकी है, इसलिए यहीं पर विराम, बोलिए समय है लेकिन अब इतने ही में विराम लूँगा। बोलिए शंका समाधान शाम को 6 बजे से होगा, चूँकि आप बाज़ार में कर रहे हैं तो बस स्टैंड, तो 6 बजे से शंका समाधान का आप सब लाभ लेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज।
साइड हो जाओ।